दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर 8386 शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की भर्ती की उल्टी गिनती शुरू, शिक्षा विभाग जल्द जारी करेगा विज्ञापन। जी हां, राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के रिक्त पदों पर बहाली की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के समाप्त होते ही इसकी तैयारी शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशालय में तेज हो जाएगी। विविध हो कि हाल ही में संपन्न विधानमंडल में शीतकालीन सत्र में आए इससे जुड़े सवाल पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने साफ कर दिया था कि पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के समाप्त होते ही एक महीने के अंदर शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति विज्ञापित हो जाएगी। राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों के 8386 पद रिक्त है और शिक्षा विभाग ने इन रिक्त पदों की स्वीकृति पद वर्ग कमेटी से पहले ही करा ली है। नियुक्ति को लेकर राज्य मंडल की भी स्वीकृति मिल गई है। 8000 रुपये मासिक मानदेय पर यह नियुक्ति होनी है। अगली बड़ी खबर, बिहार लोक सेवा आयोग ने 23 जनवरी को होने वाली 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की स्थगित। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग ने 23 जनवरी 2022 को होने वाली 67वीं प्रारंभिक परीक्षा को स्थगित कर दिया है। बीपीएससी 67वीं परीक्षा 2021 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.nic.in पर जाकर लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं। बीपीएससी की ओर से मंगलवार को जारी नोटिस के अनुसार 67वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 दिन रविवार को किया जाना प्रस्तावित था। इस परीक्षा को अपरिहार्य कारण से स्थगित कर दिया जाता है। परीक्षा आयोजन की नई तिथि की सूचना बाद में दी जाएगी। अभ्यर्थियों को सलाह है कि परीक्षा के नए डेट से जुड़ी सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट समय समय पर देखते रहे। बड़ी खबर, बिहार में पिछले 24 घंटे में मिले 7 नए कोरोना संक्रमित। जी हां, बिहार में कोरोना जांच के दौरान पिछले 24 घंटे में 7 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। पटना में 6 व वैशाली में 1 नए संक्रमित की पहचान की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 1,70,596 सैंपल की जाँच की गई और संक्रमण दर 0 रही। इस दौरान राज्य में 4 संक्रमित इलाज के बाद स्वस्थ हो गए और संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 98.33% रही। इस दौरान कोरोना संक्रमित किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। राज्य में वर्तमान में कोरोना के सक्रिय 29 मरीज इलाजरत है। अगली बड़ी खबर, बिहार में वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा। गया में योगी आदित्यनाथ और हेमंत सोरेन को लगी कोरोना वैक्सीन, राबड़ी देवी का भी नाम। जी हां, बिहार में कोरोना जांच और वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा थम नहीं रहा है। ताजा मामला गया जिले के टेकारी का है। यह यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी को वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। डॉक्यूमेंट में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का भी नाम है जिन्हें पहला डोज दिया गया है। वैक्सीनेशन में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आते ही स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में एक फोन नंबर पर केस दर्ज कराया है। फोन नंबर जम्मू का है, बाकी 2 नंबर हैं जिसकी वजह से उसकी लोकेशन की जानकारी फिलहाल नहीं मिल सकी है। गया के सिविल सर्जन के राय के आदेश पर टिकारी थाने में केस दर्ज कराया गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब का कहर। समस्तीपुर में 3 मजदूर की मौत, शादी समारोह में शराब पार्टी की चर्चा। जी हां, समस्तीपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र के बल्लीपुर गांव में 3 लोगों की मंगलवार को संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। कुछ लोगों के बीमार होने की भी चर्चा है। सभी छुप कर इलाज करा रहे हैं जिससे किसी के बारे में स्पष्ट रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। चर्चा के अनुसार सभी ने गाँव में ही एक शादी समारोह में शराब पी थी। मरने वाले 3 मजदूर वर्ग के लोग हैं। एक ने गांव में ही दम तोड़ा जबकि एक की सदर अस्पताल में और दूसरे की इलाज के लिए पटना ले जाते समय मौत हो गई। गांव में मरने वालों का आनन फानन में परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया जबकि सदर अस्पताल में मरने वालों का पोस्टमार्टम कराया गया। तीसरे मृतक की लाश आने के देर शाम तक गाँव में इंतजार किया जा रहा था।
बड़े के बड़े स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान, राज्य में अब तक ओमिक्रॉन का एक भी मरीज नहीं। जी हां, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आज सहयोग कार्यक्रम में कहा कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि अब तक राज्य में नए वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला है। विदेश से आने वाले जो भी व्यक्ति आरटीपीसीआर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी ताकि ओमिक्रॉन की पुष्टि हो सके। तो वहीं अगली बड़ी खबर, बिहार में आए 4,600 विदेशी, 50% से ज़्यादा लापता, हर विदेशी यात्रा से खतरा, इसीलिए सभी 38 जिलों में तलाश जारी है। बिहार में विदेशियों से ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा है। एक दो नहीं, 4,600 लोगों ने बिहार से विदेश का कनेक्शन जोड़ा है। 4 से 7 दिसंबर के बीच 3 दिनों के यह आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बिहार सरकार के सामने ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग बड़ी चुनौती बन गई है। विदेश यात्रा से लौट कर लोगों में अब तक 50% की भी ट्रैकिंग नहीं हो पाई है। ऐसे में अब सरकार ने विदेश से यात्रा से लौट लोगों की तलाश तेज कर दी है। आपको बता दें कि बिहार में विदेश यात्रा से वापस आए लोगों की तलाश में स्वास्थ्य विभाग की टीम लगाई गई है। बिहार के सभी 38 जिलों में अलर्ट भी जारी किया गया है। कहा गया है कि जब भी विदेश यात्रा से वापस आने वालों की लोकेशन मिले, उसकी ट्रैकिंग कर जांच के लिए सैंपल लिया जाए। ऐसे लोगों की निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से हर दिन संबंधित जिलों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर ही जाँच पड़ताल कराई जा रही है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कैबिनेट ने कल 17 एजेंडों को दी मंजूरी। 4 डॉक्टर सेवा से बर्खास्त, 1 को अनिवार्य सेवानिवृत्ति, बालू खनन को मिली मंजूरी। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कल कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कुल 17 एजेंडों पर मुहर लगी है। बैठक की खास बात रही कि 17 एजेंडों में 9 सिर्फ स्वास्थ्य विभाग के हैं, इसमें 4 डॉक्टरों को बर्खास्त किया गया है, वहीं 1 डॉक्टर को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बालू खनन कार्य संवेदकों के माध्यम से अगले आदेश तक करने और 2019 के बंदोबस्ती धारियों से प्राप्त 10% प्रतिभूति राशि 267 करोड़ वापस करने की स्वीकृति दी है। इसके अलावा सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय जमुई में 1 प्राचार्य, 1 उप प्राचार्य, 62 शिक्षक और 63 शिक्षकतर कर्मियों के लिए 127 अस्थायी पद स्वीकृत किया गया है। इसके लिए 7,30,31,868 की भी स्वीकृति दी गई है। वहीं मुजफ्फरपुर के आरबीटीएस होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेज और अस्पताल में 120 नामांकन क्षमता के होम्योपैथिक कॉलेज के भवनों के निर्माण के लिए 1,21,01,00,000 की स्वीकृति दी गई है। और दरभंगा के मोहनपुर राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान में 120 नामांकन क्षमता आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय और 150 बेड के आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल के भवनों के निर्माण के लिए 1,95,63,34,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। बड़ी खबर, अब 3 डोज वाले नीडल फ्री वैक्सीन लगेगी। बिहार में 18 साल से ऊपर वालों के लिए कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक के बाद अब जायकोव डी। जी हां, अब बिहार में नए वैक्सीन को लेकर ट्रेनिंग चल रही है। यह वैक्सीन का 4th ऑप्शन होगा। कोवैक्सीन, कोविशील्ड, स्पुतनिक के बाद अब जायकोव डी का विकल्प तैयार किया जा रहा है। 3 डोज वाले नीडल फ्री इस वैक्सीन को 18 साल से ऊपर वालों को देने की तैयारी चल रही है। बहुत जल्द बिहार में इसका शुभारंभ भी हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के माने तो 16 जनवरी से वैक्सीन की दिशा में कोई बड़ी शुरुआत हो सकती है। बड़ी खबर, 1767 पदों पर अमीन बहाली के लिए निकला विज्ञापन कैंसिल। पटना हाईकोर्ट ने रद्द करने का दिया नया आदेश। कहा 3 महीने के भीतर नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करें। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा राज्य में अमीन के 1767 रिक्त पदों पर बहाली के लिए 20 जनवरी 2020 को निकाले गए विज्ञापन को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता राम बाबू आजाद व अन्य द्वारा याचिका पर
जस्टिस पीबी बजंदरे ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि इस विज्ञापन को रद्द कर 3 महीनों के भीतर आमीन के रिक्त पदों को भरने के लिए नए सिरे से विज्ञापन प्रकाशित करे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट में पक्ष प्रस्तुत करते हुए अधिवक्ता दीनू कुमार व रितिका रानी ने कोर्ट को बताया कि अमीन पद पर बहाली के लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए जो योग्यता राज्य सरकार ने विज्ञापन में प्रकाशित किया था वह प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। बड़ी खबर, जीतनराम मांझी के बिहार के सीएम नीतीश को बड़ी चेतावनी, 1000 करोड़ दीजिए नहीं तो समझ जाइएगा। जी हां, बिहार के पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतनराम मांझी के एक बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा और जदयू नेताओं को संभलकर बोलने की सलाह देने वाले मांझी खुद ऐसा बोल गए जो सत्ता पक्ष के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। पूर्व सीएम गया में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए कह गए कि वे अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए कोई अपक्ष से लेकर नहीं जाना चाहते हैं। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहा है कि क्षेत्र के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए दीजिए, वरना हम आपकी पार्टी में नहीं है, गठबंधन में है। चमक गए तो सोच लीजिएगा। पूर्व सीएम सोमवार को इमामगंज के पतरा गांव में डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद और उनकी धर्मपत्नी यशोदा देवी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अगली बड़ी खबर, बिहार में 8 नए मेडिकल कॉलेज के लिए केंद्र ने नीतीश सरकार को दिए 1090 करोड़ रुपए, केंद्रीय मंत्री ने राज्यसभा में दी जानकारी। जी हां, राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण परवार ने बताया कि बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया, छपरा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई में केंद्र सरकार की सहायता से मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को 1090 करोड़ रुपये की राशि दे चुकी है। अगली बड़ी खबर, विष्णुपद मंदिर में मोबाइल ले जाने पर लगी रोक, 1 हफ्ते पहले लागू हुआ आदेश, सख्ती से कराया जा रहा है पालन। जी, मोक्ष धाम के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में अब मोबाइल ले जाने की इजाजत नहीं, सुरक्षा कारणों को लेकर श्री विष्णुपद प्रबंधक कार्यनी समिति ने रोक लगाई है। रोक से संबंधित आदेश के पोस्टर मंदिर के दरवाजे सहित परिसर में लगाए गए हैं। रोक करीब 1 सप्ताह पहले ही लगाई गई है, आदेश का पालन सख्ती से कराया जा रहा है। बड़ी खबर, बिहार में ऑनलाइन क्लास की तैयारी, बीमार बच्चों की घर पर बैठकर होगी पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने स्कूल को जारी किया विकल्प तैयार करने का आदेश। जी हां, स्कूलों को कभी भी ऑनलाइन मोड पर किया जा सकता है। विभाग ने आदेश जारी कर सभी प्राइवेट स्कूलों को ऑनलाइन क्लास का विकल्प तैयार करने को कहा है। निजी विद्यालयों के सभी छात्र छात्राओं को ऑनलाइन मोड में पढ़ाई के विकल्प को लेकर जारी किए गए आदेश से यह बात साफ है कि कभी भी स्कूलों को बंद कराया जा सकता है। पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने इस आदेश का सख्ती से पालन कराने को कहा है। बीमार बच्चों को ऑफलाइन क्लास से पूरी तरह से अलग रखने का आदेश दिया गया है। आज के लिए आपका सवाल बताए कि आपके अनुसार 1767 पदों पर अमीन की बहाली को रद्द करने का फैसला पटना हाईकोर्ट के द्वारा सही है या नहीं, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।